और बच्चों, क्या चल रहा है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और बच्चों, क्या चल रहा है कि इस दूसरे एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स कोच। जैसा आप जानते हैं, इस वीडियो के ज़रिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके उन सवालों का जवाब देने की जो आपकी पढ़ाई के वक्त में आपको रुकावट पैदा करते हैं, आपके लिए चुनौती बन करके आपके सामने आते हैं। तो आज मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ यश का। यश ने क्या सवाल पूछा है? एक्चुअली उन्होंने दो सवाल पूछा है। एक पहला सवाल पूछा है कि फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होता है, फ़ोन ले लो तो टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत। बिल्कुल सही कहा यश ने, फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होता है, फ़ोन डिस्ट्रैक्शन वाला चीज़ ही है। अगर आप इंस्टाग्राम की रील देखने के लिए बैठोगे तो 10-15-20 मिनट कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छा लगता है लोगों को डांस करते हुए देखना, उनके जज्बातों को सुनना, उनके जज्बातों में अपने जज्बात ढूंढ लेना। तो ये जाहिर सी बात है कि फ़ोन डिस्ट्रैक्शन तो है ही है, लेकिन आज के वक्त में आप इस फ़ोन से बच भी नहीं सकते। स्मार्टफोन की ज़रूरत आज, मतलब वो एक ज़रूरत बन गया है, कहने का मतलब वो एक शौक नहीं है, सिंबल नहीं रहा, अब वो ज़रूरत हो गया है। आप इस फ़ोन के ज़रिए कई जो चैनल है, कई एप्लीकेशंस हैं, आप उसमें वीडियोस देखते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, तो ये तो ज़रूरत है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अब आखिर ये जो डिस्ट्रैक्शन, इससे कैसे बचा जाए? देखिए, मैं दो तरीके बता सकता हूँ। पहला तरीका तो ये है, पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप देखिए कि फ़ोन में कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपका टाइम किल कर रही हैं या आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे इंस्टाग्राम रील, तो आप इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, फेसबुक को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आप सिर्फ ज़रूरी एप्लीकेशंस रखिए जो आपके काम की। ठीक है, टेक्नोलॉजी, तकनीकी जो है वो दोधारी तलवार है। अगर कोई बॉम्ब बनाता है तो उसके दो पहलू हैं, पहला सुरक्षा और दूसरा किसी की बर्बादी। उसी तरीके से ये जो तकनीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है फ़ोन की, ये भी दोधारी तलवार है। आप इससे सूचनाएँ लीजिए या अपना समय बर्बाद करिए। तो यहाँ पर हमें सूचने वाला, जो इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं, वो एप्लीकेशन रखना चाहिए। तो वो पिन पॉइंट्स खोजिए और उसको रिमूव करिए। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि जब आप पढ़ाई का वक्त हो तो आप फ़ोन को अपने से दूर रखें। अगर फ़ोन पास में रखा होगा तो कुछ नहीं, आपने देखा होगा यूजुअली क्या होता है, जो फ़ोन पास में रखा फ़ौरन उठा के कुछ नहीं तो जला के देख लिया, है ना, कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई चीज़ तो नहीं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, फ़ोन को अवॉइड करना है। आप अगर फ़ोन अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उसको दूर रख दीजिए, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। फ़ोन चल खाली टाइम में ही फ़ोन उठाइए। थोड़ा इस पे मन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये दो काम करेंगे तो आई होप आपको फ़ोन में से जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उससे बच सकते हैं। दूसरा इनका सवाल है कि फिज़िक्स क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। देखिए, फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, उसके कई वजह हो सकती हैं। दो तीन वजहों पर मैं बात करता हूँ। सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम, हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी। अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन गूगल ट्रांसलेट में टाइप करें, वो हिंदी दे देगा। कुछ दिन ऐसा करेंगे और कुछ समय के बाद तकनीकी तौर पर आप इतने मजबूत हो जाएंगे, मतलब उसको कई बार, अब क्या होता है, देखिए फिजिक्स में ना साइंटिफिक लैंग्वेज है, बार बार आप उसी अंग्रेजी हिंदी सेम आती रहती है, तो वो कुछ समय के बाद आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला ये चीज़ है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपको जो इंग्लिश मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन आप ज़िंदगी में पहली बार कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप पहली बार करेंगे तो इट विल टेक टाइम। आपने साइकिल अगर चलाना सीखा होगा तो याद करिए, शुरुआत में क्या होता था, 1 किलोमीटर चलाने में आफत आ जाती थी, आज आप 1 किलोमीटर यूँ चला देते होंगे। तो कोई भी चीज़ है, शुरुआत में आप करेंगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है, आपको करना यह है कि आप उसे बार बार करिए, रिपीट करिए। जब आप रिपीटेशंस कर लेंगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा, वो आसान हो जाएगा। आप अगर बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहिए, उसमें समय देना पड़ेगा। ठीक है, बिना समय के काम नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि नहीं, कोई बच्चा जो एक्सपर्ट है, पहले से तैयारी कर रहा है, उतने ही समय में हम भी कर लें, कंपैरिजन मत करें। ठीक है, उसमें आपको तकलीफ होगी, परेशानी होगी। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि जो क्लास में आपके पढ़ाया जा रहा है, आप उसको ढंग से कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं जैसा उसको पढ़ाया जा रहा है।
क्लास में आप अटेंटिव नहीं हैं। तो अगर आप मेरी क्लास कर रहे हैं और अटेंटिव होने के बावजूद भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप मेरे से आके मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम है। बावजूद उसके भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप एक ऐसे टीचर को ज्वाइन करें जिसकी बात, जिसका कंसेप्ट आपको समझ में आता है ना। तो क्योंकि एक कंसेप्ट का खेल बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर कट है, समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन लेके बैठे रहिए, कोई फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन होता है। वहाँ पर लोगों की जो सोच होती है कि हमने थ्योरी पढ़ लिया हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, वो गलत होता है। जब तक आप फिजिक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। तो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो थ्योरी तो पढ़ाए, साथ में न्यूमेरिकल भी कराए। तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ, उसमें आपने देखा होगा शीट से क्वेश्चन कराता हूँ, तो थ्योरी पढ़ा वो एक बात है, उसका एप्लीकेशन किया वो एक बात है। तो दोनों चीज़ें आपको सीखनी। कई बार ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थ्योरी के टाइम तो ध्यान देते हैं, अच्छा लगता है, न्यूमेरिकल में ध्यान ही नहीं देते, बस सोचते हैं कौन सा फार्मूला लग रहा है, कैसे निकल रहा है, ये देखना है। गलत चीज़ है। आप उस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान दीजिए कि वो जो हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। हो सकता है कई बार आप सोच लें कि हम शायद बेवकूफ़ हैं क्या, लेकिन कबीरदास जी का एक दोहा है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल्पे परत निशान। हो सकता है कि आपको आज लगता हो कि आप मूर्ख है, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। यश, तो आई होप यश मैंने आपके बातों का जवाब दिया होगा, आपको मेरा जवाब समझ में भी आया होगा। कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मेरा ये जवाब, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और कमेंट बॉक्स में बताते रहें, अपना फीडबैक देते रहें। वीडियो को लाइक करें और सही बात पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी करें लोगों से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।